गुड आफ्टरनून, थैंक यू एवरीबॉडी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत जागृति से एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमने लिया है, उसके बारे में बात करने के लिए आप सबसे मिलने के लिए हमारे इनविटेशन पे इतने सारे लोग, हमारे मीडिया के भाई बहन आए हैं, अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में इसका चर्चा तो काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 वंस इट वॉज टेबल्ड इन राज्यसभा, इट कुड नेवर पास इन लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिल इन राज्यसभा। फ्रॉम ऑल द वुमेन अक्रॉस द नेशन आई रियली सल्यूट हर करेज, बिकॉज उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी, फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है, राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है, अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई। बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। बाद में वापस जब कांग्रेस का सरकार आया 2010 में, मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश से, देश के महिलाओं से वादा किया है, और बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया, 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट्स के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आज विश्व डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, ओनली बाय टेकिंग वुमेन ऑन द इक्वल फुटिंग विद मेन, वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से, हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 और लोकसभा सत्र चलने वाले हैं, इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। हम क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह गठबंधन का सरकार नहीं है, फुल मेजॉरिटी का सरकार है, 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये सरकार का जब आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देख लोगे, तो आधार बिल जब इनको पास करना था, आधार बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके राज्यसभा को बाईपास करके भी उन्होंने पास किया है। तो अगर वो चाहते हैं, मन से चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है, तो जरूर महिला आरक्षण बिल पारित करवा सकते हैं, और एक हिस्टोरिकल मौका है महिलाओं के पास। तो मेरा विनती ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो है, आप इसमें पार्टी को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ महिला को देखें, सिर्फ और सिर्फ महिला के भागीदारी कैसे बढ़ाना है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके बारे में सोचें। क्योंकि हम ग्लोबल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे, तो इंडिया इज 148 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट में आज 78 मेंबर्स है आउट ऑफ 543, विच इज 14.4%। अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी वेरी लेस देन द ग्लोबल एवरेज। हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान में 17% रिजर्वेशन है, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील, जहां पे 50% तक जा चुका है।
हमारे नेबर्स में देखिए आप, इतनी खराब हालत हमारी महिलाओं की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में है। तो हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी से कि आप यह बिल को पारित करा दीजिए। हमने मार्च इस महीने के सेकेंड मार्च को हमने हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया था कि हम महिला आरक्षण के बिल के लिए कल यानी मार्च 10 तारीख को हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है एंड वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू अप्रोक्सीमेटली 18 पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। तो कल 10 बजे सुबह येचुरी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन होगा, उसी समय प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से भी आएंगे और लगातार दिन भर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे। और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे पहले कोशिश किया है, उन सभी महिला नेताओं से भी हमने बात किया है और उनके ब्लेसिंग से ही हमने ये बिल को आगे ले जाने का हमने कोशिश किया है। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें। और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूं, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से यह पूछना चाहती हूं, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए, व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वॉन्ट्स टू इंट्रोगेट वुमेन देर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह भी जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज फॉर एवरी कॉमन वुमेन इन दिस कंट्री। आई वॉन्ट टू टेक अप दिस इश्यू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इश्यू। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ईडी समन, वी विल कंप्लीटली साइड विद देम, सपोर्ट विद देम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज। वी विल 100% सपोर्ट देम। टुडे द क्वेश्चन इज, when we look at Telangana data from last August, in fact from last June, government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November, December. So the modus operandi of BJP has been ki jahan bhi election hai wahan Modi se pehle ED pahunch jata hai. To hamare Telangana mein bhi yahi hua hai. तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में, ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है और एनआईए एजेंसी ने 500 टू 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूं क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है,
हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को एमएलएस को एमपीस को मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से बीजेपी से एक ही विनंती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है तेलंगाना के लिए, आपने क्या किया है देश के लिए, आपने क्या किया है वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं है। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे, उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया, हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर हो और कुछ भी नहीं है। देखिए आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सेबी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है, एसबीआई के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद, एलआईसी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसी है वो जहां बोलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को युवाओं को ले रहे हैं उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रस्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं आपके ऑफिस में चौकीदार के नौकरी पे रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहां से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके ये सारे केसेस डाल रहे हो और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो 7 खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं उनपे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पे करिए, मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए जरा हमारे तेलंगाना में आके सिट के सामने पेश हो जाए, आंसर करे, क्वेश्चन आंसर करे। किस बात के डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है लीगल एक्शन है हम पूरा पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है?
हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, जरा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माता जी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माता जी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माता जी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो वो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तर्क गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की। तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरह है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया, अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ, वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहां जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्म ततो जय, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच, जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए, पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमने उन सबको वुमेन रिजर्वेशन पे जितने भी फाइट किए उन सबको बुलाया है, लकीली उन सबने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 पीपल विल सिट ऑन द हंगर स्ट्राइक, बट द अटेंडेंस विल बी मच मोर। मोर देन 6000 पीपल हैव कंफर्म्ड दैट दे विल जॉइन अस, मोर देन 18 पार्टीज हैव कंफर्म्ड दैट दे विल जॉइन इन द प्रोटेस्ट। मैम, सोनिया जी बहुत बड़े लीडर है, मैं तो छोटी एमएलसी हूँ, फर्स्ट टाइम एमपी, सेकंड टाइम एमएलसी। भारत जागृति जो हमारा एनजीओ है, उसके तरफ से जो हम एजुकेशन ये कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, हमने सारे पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर से, केसी वेणुगोपाल सर से हमने रिक्वेस्ट किया है, तो कांग्रेस से वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो आएंगे, मुझे नहीं पता कौन है। आपको ईडी का बहुत जानकारी है भाई, अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है क्या? ईडी जो भी पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सविता जी, आप महिला आरक्षण के बहाने तमाम पार्टियों को झुका रही हैं, कांग्रेस कहती है कि बीआरएस बी टीम है बीजेपी, आपको बी टीम कहती है आपकी पार्टी को, और आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, थोड़ा सा एयर क्लियर कर दीजिए, क्या है सच्चाई? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज उठाता है किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो पहले पहले बाकी विपक्ष लोगों को लगता है कि आवाज उठाने का हक सिर्फ हमें है, तो बाकियों को अंडरमाइन करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है, दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनी मोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टीज इंटरेस्ट। एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए, तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विद ऑल द पार्टीज टू मेक श्योर बीजेपी लूजेस द नेक्स्ट इलेक्शन, तब उनको पता चलेगा कौन बी टीम है, कौन ए टीम है, कौन क्या टीम है। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो आज ईडी ऑफिस में नहीं होते ना भाई, हम तो आराम करते होते। वो तो उनके खुद के नेता बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जो भी ज्वाइन हो जाता है बीजेपी में तो उनका कुछ आराम ही आराम है, कोई एजेंसी नहीं देखता है, 600 करोड़ का घोटाला करो, 1 लाख करोड़ का करो, अदानी के जैसा
रिकॉर्ड थोड़ घोटाला करो फिर भी कोई नहीं पूछने वाला है ना। तो हम तो बी टीम नहीं है, हम तो ए टीम है। आगे चल के बराबर भारतीय जनता पार्टी का ऑल्टरनेटिव बीआरएस होगा, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल एक पार्टी इस देश में बनेगी। बीआरएस विल वर्क फॉर द नेशन एंड वी विल एमर्ज वेरी स्ट्रॉन्ग। Brother, we've been taking the initiative for a long time. It's not now. Honorable Chief Minister and our leader of Bharatiya Rashtra Samiti, KCR Garu, has taken the initiative, and we've held multiple meetings with stakeholders of various parties in this country, and we've declared it openly that we will work with all like-minded parties. Idea and ideology is simple. Bharatiya Janata Party in today's form and shape is hurting the country, not working for the development of the country. They are spoiling the ecosystem of this country and the secular fabric of this country. So certainly we will work to unseat them from power, and we will work with every party which is like-minded. Ma'am, coming to the Hindi case, how do you interpret the silence of your father and your brother? About what? About the Hindi case against you. They are not very vocal about it. See, why should my father and brother speak about such silly issues? The entire party, in fact my brother and Honorable Minister just held a press conference today. But that apart, entire party, 15-16 MLAs, leaders, small leaders, big leaders, everybody has been targeted. And that has been the attitude of the BJP party, unfortunately, in every state. So if we speak about it and make a big issue out of it, tomorrow, my dear friends in the press, they'll write ki ye dar gaye, ye baat kar rahe hai, sirf ED ke bare. But I really want to request through you to the people. See, today we put up a protest for Mahila Bill, they'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a woman bill. So tomorrow they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics of Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties, and that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues, understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. So we will work for that. That is our fight. See, all I am trying to tell you is this. Bharatiya Janata Party and its leaders will set up a narrative. Then they will look for characters. Okay? So that has been the agenda, that has been the strategy from day one. Not only me, every politician, every political party or every business house which does not subscribe to their ideology, that is what they have done. They will come up with their own narrative. They will try to fix me up in one or the other roles. And they are calling me various names. Let them call. Let the people decide. We will cooperate with them. देखिए, कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है वो तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले। कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले, क्योंकि 4000 एमएलए मिलते हैं आज कांग्रेस के पास, सिर्फ 600 एमएलए है। वॉट इज दैट नंबर? Where is their number? Today in Tamil Nadu they are in a Ghatbandhan Sarkar, but they have only 17 MLAs. In Bihar they have in Ghatbandhan Sarkar. How many MLAs do they have? In Bengal, mushkil se abhi by-election mein entry hua hai, ek MLA hai Congress ka. See, the point is for me to not
gun down the opposition. Point is, we should get united. But then, who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS's stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam, where many CMs came. We are going to hold another rally in April, where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts, and when will they shed their arrogance and come to reality? That will, they will have to decide. I can't comment. देखिए मैं क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है. अगर महिला आरक्षण की बिल की बात हो, टेबल किया जाए, तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट है, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट है, हु कैन गिव अस मल्टीपल सॉल्यूशंस. लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके, बस हमारा वही बात है. हमारे लीडर, बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है, तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं, बाद में भी 1/3 रिजर्व कर सकते हैं सीट, उसमें कोई दो राय नहीं है. देर आर मल्टीपल इश्यूज लाइक कोटा विद इन कोटा, सम पार्टीज हैव दैट ऑब्जेक्शन, वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन फॉर दैट. इनफैक्ट वी आर सेइंग ओबीसी का जनगणना होना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन हर एक उनको हक से मिलनी चाहिए. और इस देश का ऐसा हालत है सर कि कभी भी 150 ईयर्स में सेंसस नहीं रुका था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आज तक नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुआ, ओबीसी का छोड़िए. There is no census in this country done from last 10 years. And what development are we talking about? How are we going to talk about China? How are we going to compete with them? So to introduce women's bill, these issues or these concerns should not be the stumbling block. Let the bill come. Let us all sit together and find a solution. That is our demand. सेम क्वेश्चन. कांग्रेस अगर अप्रोच करती है जैसा आपने भी कहा, तो क्या ओपन होगी बीआरएस, या बीआरएस के लिए कांग्रेस अनटचेबल रहेगी? देखिए कोई अनटचेबल नहीं होता है कभी भी पॉलिटिक्स में, बट उनका रवैया क्या है, उनका देश के प्रति सिंसियरिटी क्या है, इलेक्शन के प्रति क्या उनका राय है, कैसा उनका एजेंडा है पीपल के लिए, वो इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए पीपुल्स एजेंडा इज प्राइमरी. हुएवर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट इज इरेलेवेंट. पीपुल्स एजेंडा इज सिंपल. Telangana, today we give 24 hours free power. We want the entire country to have that. Today we give 24 hours free water in Telangana, both to the farmers and to households. We want the country to have that. We give 10,000 rupees per farmer. We want the country to have that. That is our simple agenda. That there is no politics in this. We will work with like-minded people. Neta apne aap ubar ke aa jayenge. Bhai, neta ke bare mein tension karne ki zarurat nahi hai. मोहित हूँ तहजीब की वी से. मेरा एक सवाल आपसे है, आपने ओबीसी की बात कर ली, आपने महिला रिजर्वेशन की बात कर ली, इन सबों के बीच में एक चीज छूट जाती है जो आज माइनॉरिटीज हैं. आपका क्या राय है, आप क्या मान रही हैं कि मोदी रजीब में आज माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए मोदी रजीब और माइनॉरिटीज तो पूछने की कोई शकी नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है कि माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करते हैं इस देश में, तो उनका रवैया पहले से वैसा ही स्टेटेड उनका स्टेटमेंट है. What we have done in Telangana, I can tell you, because proof of concept है, तो मैं हक से बोल सकती हूँ. Telangana में हमने minorities के लिए हर एक issue में, particularly in terms of education, we have taken care. We have built separate hostels and various developmental aspects in keeping minorities in our favour, both for Christians, Muslims, Sikhs, Buddhists, everybody. All the minorities are treated equally. In fact, Ramzan is officially celebrated by the government. Christmas is officially celebrated by government. Likewise, Batukama, our festival, is celebrated, Hindu festival, by us. Bonalo is celebrated by government. So, सबका साथ सबका विकास का मतलब यह होता है कि असल में करके दिखाना. जो तेलंगाना में हम कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं कि कल को देश भर में वो हो. That is our agenda. Thank you. Why do you want separate facility for women when it comes to Christian women? We see even leaders like Sonia Gandhi going to the Definitely. See, today women and men are not on equal status. So you don't please give me that logic ki why do you need reservation? Why do you want separate facility? Are you... I'm asking about questioning by agency. Why does Delhi police want to change location? Q?
क्यों, हमने पहले डाला था ना भाई परमिशन, नहीं जाके पूछ लो। तो नो आई डेफिनेटली वांट अ सेपरेट फैसिलिटी एज अ वुमन। इफ आई हैव अ रूल पोजिशन इन द लॉ आई वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट इट, वाई नॉट, वाई शुड आई नॉट यूज इट। देर आर मल्टीपल जजमेंट्स वेयर दे सेड women will get a separate facility, then everybody should get it, not only me. And in fact, I have mentioned that, see, when anything happens in Hyderabad, any crime happens, some lady in some village from Telangana has to come to the police station to give her evidence or whatever. Doesn't have to be a part of the crime. Evidence bhi ho sakta hai, witness bhi ho sakta hai. It can be done through conference, teleconference, video conference. I want that facility to be extended to every woman in this nation. And I again said, see, I have the facility. I can fly down to Delhi. I can come down to Delhi to attend. Not my problem. But there are other opportunities, other ways to be done. This to be done. It should be done that. That's all I'm saying.